पूछना ये था कि 6 जून को थप्पड़ दिवस के रूप में मनाया जाएगा क्या अंधभक्तों के लिए? राष्ट्रीय थप्पड़ दिवस 6 जून कैसा रहेगा? आंटी को मैंने कितना बार समझाया कि आंटी इस तरह की वीडियो मत बनाया करो, लेकिन आंटी ने हमारी एक बात नहीं सुनी। अब आगे देखिए कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। अब एक थप्पड़ का मामला नहीं है, इस पर बहुत बड़ा संगीन आरोप है। आंटी ने कहा कि हमको रेप करने की धमकी दे रहा था। आंटी ने कहा कि हमको बलात्कार करने की धमकी दे रहा था। जब इसके ऊपर FIR हुआ, जब कोर्ट ने इसको समन पे समन भेजा, तो ये कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब रेप और बलात्कार का ये जो अफवाह फैला रहा है, ये सब झूठा है। क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूँ। मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ। ओहो आंटी मत रोइए, इंसाफ मिलेगा आपको। जितने भी अंधभक्त हैं सब आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। एक चीज पूछे चाहती है, हमें तनी बता दे अपने चैनल के माध्यम से कि मोदी जी अपने मेरारू को कहाँ छोड़ के चले गेलन। बता बता दे हम क्या मोदी जी कहाँ मेरारू के छोड़ के चले गेलन यार? कहाँ हुआ, कहाँ अपने मेरारू के साथ लेके नहीं चला तुम? हाँ लेकिन सवाल ये नहीं है, उन किसी की बीवी, ये जो जाहिल मूर्ख गवार है, ये रोशनी का जो है ये पति है। अब बताइए, अब इसको कैसा महसूस होता होगा कि जब 40 दिन तक जो इसके पत्नी इससे मिलने नहीं गया, नहीं बेल कराया, अब समझ में आता होगा इसको कि मेरा पत्नी भी उससे कई गुना जो है जाहिल मूर्ख गवार निकला और ये कोर्ट से जो है फरार चल रहा है। मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा। जितना भी वीडियो इसके चैनल पर है, सभी जो है घटिया और जलील वीडियो बनाया है, और जितने भी पब्लिक ऑडियंस देख रहा था इसके वीडियो को, सभी जो है इसको गाली से सिर्फ कमेंट करता था, लेकिन फिर भी जो है ये नहीं सुधरा। अंतिम में देख लीजिए इसका क्या नतीजा निकला। और ये कांग्रेस की नेता बनने चली थी, एक फोटो प्रियंका गांधी के साथ खींचा लिया और एक फोटो राहुल गांधी के साथ खींचा लिया, तो सोचा कि अब हमरे ऐसा कोई है ही नहीं। आंटी को मैंने बार बार समझा रहा था कि इस तरह का गंदी और जलील हिंदुओं के खिलाफ ऐसा वीडियो मत बनाइए, लेकिन आंटी ने किसी का नहीं सुना।